तेज रफ्तार वाहन चाहे पुलिस का हो या फिर किसी आम आदमी का, हमेशा हादसे को न्योता देता है। ऐसा ही करनाल में उस वक्त हुआ जब करनाल के कुंजपुरा के पास उत्तर प्रदेश पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई, जिसके बाद साइड में एक पेड़ में जाकर टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि उसमें मौजूद पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने इस घटना की खबर तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान अस्पताल में डॉक्टरों ने सुमित नाम के कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी 5 घायलों का अभी भी अमृतधारा अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता केसी आर्य ने अस्पताल के बाहर मौजूद पुलिस कर्मियों से हादसे को लेकर बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, मैं हूं करनाल से केसी आर्य। करनाल के कुंजपुरा के पास एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, जो कि यूपी पुलिस की जो गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर के पलट गई है, और कुंजपुरा के पास का मामला है जिसमें एक पुलिस जवान की मौत हो गई है जो कि यूपी के रहने वाला, और 5 जो हैं जवान कर्मचारी घायल हैं, उनको अमृतधारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हमारे साथ कुलदीप जी हैं जो कि SHO कुंजपुरा है, उनसे जानते हैं सर इतने बड़े हादसे का कारण क्या रहा और क्या जानकारी मिली। 9:30 बजे की बात थी, गाड़ी पलटने की पता लगा था भाई वहाँ पर मोड़ पर गाड़ी पलट गई है, तो तुरंत मौके पर पहुँचे। जो घायल आदमी थे उनको अस्पताल में भेजा गया, जो सभी घायल आदमी अमृतधारा में अस्पताल में दाखिल हैं। एक कर्मचारी था वो एक्सपायर हो गया। कर्मचारी ये सभी यूपी के रहने वाले? सभी यूपी के हैं, नई मंडी थाना मुजफ्फरनगर के मुलाजिम हैं। ये करनाल में किस लिए आए थे? क्या ये किसी काम किसी मुकदमे में तफ्तीश में आए हुए थे? अच्छा, तो वापसी जाते हैं? वापसी जा रहे थे जी। तो क्या करना, गाड़ी अनियंत्रित हुई है स्पीड में या और कोई कारण? अभी तक अनियंत्रित का पता लग गया, बाकी बयान लिए जाएंगे पता। आज क्या कार्रवाई चल रही है? अभी तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जाँच जा रही है। जो घायल हैं वो ठीक हैं? अभी खतरे से बाहर हैं? हाँ, खतरे से बाहर हैं, घायल इलाज चल रहा है। अमृतधारा अस्पताल में जो मृतक है? मृतक एक्सपायर हो गया जी। उसका पोस्टमार्टम आज? आज ही पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। मामले की जांच जारी है? जांच जारी है। और जो गाड़ी है उसमें कोई और भी कोई जांच में प्रथम जांच में पाया गया? अभी तक कुछ नहीं आया। बीमारी है कोई ऐसा? नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया, अभी पता करेगा अकेली। हाँ, तो ये थे कुलदीप जी जो कि बता रहे हैं कि 5 कर्मचारी जो हैं पुलिस कर्मचारी हैं अमृतधारा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं एक की जो मौत हुई है उसका आज पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मैं हूं करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।